हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, जो कि बेकार पड़ी हुई चीज़ों से है। तो यहाँ मैं ली हूँ मोबाइल का कवर, जो हम फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही रख देते हैं, तो इसका मैं यूज कर रही हूँ बैंगल बॉक्स। बैंगल बॉक्स बनाने के काम में आ जाएगा, आप आराम से इसमें अपनी चूड़ियाँ अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला आइडिया। आप इसे एक पर एक रख के अच्छे से अरेंज करके अपने अलमारी में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे आइडिया पे जाते हैं। तो ये है हमारा दूसरा आइडिया, इसमें आप आराम से मोजे या फिर हैंकी अच्छे से फोल्ड करके रख सकते हैं। अब चलते हैं आइडिया नंबर थ्री पर। तो जो हमारे घर में मोजे होते हैं उसकी जो जोड़े हैं हमेशा इधर उधर फेंके पड़े रहते हैं, तो हम इस तरीके से इसे फोल्ड करके आराम से रख सकते हैं, ताकि हमें मोजा का जो जोड़ा है वो खोजने में टाइम ना लगे। इसी तरह सारे मोजे मैंने अरेंज करके रख लिए हैं। ये है आइडिया नंबर फोर। तो यहाँ मैं बॉक्स को ये ऊपर का हिस्सा काट के निकाल दूंगी और इसमें जो मैंने मोजे फोल्ड किए थे उसे हम इसमें रख देंगे और इसे आराम से आप कवर्ड में डाल सकते हैं। आपके मोजे फैलेंगे भी नहीं और आसानी से मिल भी जाएंगे। आइडिया नंबर फाइव पर चलते हैं। तो यहाँ मैंने ड्रेसिंग टेबल का अंदर का डोर खोला हुआ है, इसमें हम डालेंगे कपड़े टांगने वाला हैंगर और इसमें बच्चों के जितने भी हेयर बैंड है, क्लॉचर है, आप इसमें आसानी से रख सकते हैं और आराम से इसे बंद भी कर सकते हैं, तो आपका स्पेस भी नहीं खाली जाएगा और आराम से अच्छे से सारे हेयर बैंड्स, क्लॉचर अरेंज भी हो जाएंगे। अब चलते हैं आइडिया नंबर सिक्स पे। तो यहाँ मेरे पास है ग्लास का बॉक्स, तो इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो मैं हटा दे रही हूँ और साइड से ऊपर की तरफ से कटिंग करना, पूरा कटिंग नहीं करना, कुछ इस तरीके से कटिंग करना। काटने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है वो मैंने रख दिया, अब इसे अच्छे से नीचे की तरफ डाल देंगे ताकि हमारा जो बॉक्स है वो थोड़ा अच्छे से मजबूत बन जाए। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे बच्चों के कैप, टोपी, पैंट्स, हैंकी, आप चाहें तो इसमें आराम से कोई भी चीज़ अरेंज कर सकते हैं छोटे छोटे, और फिर इसे आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। आपके कपड़े हैं वो फैलेंगे भी नहीं। तो अब हम चलते हैं आइडिया नंबर सेवन पर। तो यहाँ मैं लाइट का जो ऊपर का कवर होता है बॉक्स, उसका मैं यूज कर रही हूँ, इसे बीच से कटिंग कर लिया और यहाँ मैं रख रही हूँ सिलाई वाला, एक में सिलाई वाला सामान अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। अब दूसरा जो पार्ट है उसमें मैं मेडिसिन रख रही हूँ, आराम से इसे कहीं भी रेक पर रख सकते हैं या फिर कबर्ड में रख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, आपकी जो मेडिसिन है वो फैलेगी भी नहीं। अब चलते हैं आइडिया नंबर एट पे। तो यहाँ मेरे पास है मिठाई का डब्बा, जो कि वेस्ट पड़ा हुआ था, तो इसमें डाल दूँगी हेयर बैंड, बैंड, क्लॉचर, रबर, जो भी बच्चों के सामान है आप इसमें डालकर आराम से अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं, फैलेंगे भी नहीं। अब टिप्स नंबर नाइन पर चलते हैं। तो यहाँ मेरे पास है बॉक्स, बॉक्स में मैं रख रही हूँ सारी कंघियाँ, आप आसानी से कंघी निकाल कर रख सकते हैं, आपकी जो कॉम्ब है वो फैलेगी भी नहीं। अब चलते हैं आइडिया नंबर टेन पे। तो यहाँ मेरे पास प्लास्टिक का बॉक्स पड़ा हुआ था, तो इसका मैं यूज करूँगी बैंगल बॉक्स बनाने में। तो यहाँ मैं पेपर का फोल्ड की हूँ उसी साइज का जितने साइज का आपका बॉक्स है और आराम से इसमें जो बैंगल है आप आराम से इसमें डालिए और रख सकते हैं, आपकी जो बैंगल है वो फैलेंगे भी नहीं और बैंगल बॉक्स खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये यहाँ मैं ली हूँ पुराने कार्ड, शादी का कार्ड का भी आप यूज कर सकते हैं रोल बनाने में।
और इसी तरह सारी चूड़ियाँ आप आराम से आसानी से अरेंज करके रख सकते हैं। अब चलते हैं टिप्स नंबर 11 पर। तो यहाँ मेरे पास होंडा का जो बॉक्स आया था, गिफ्ट मिला था, गिफ्ट हैम्पर है ये। इसमें का जो फोम है वो मैंने हटा दिया है, और इसमें बच्चों के जितने भी क्लॉचर, हेयर बैंड, बैंड, आप जितने भी सामान है बच्चों के, आप उसमें आराम से इसमें अरेंज करके रख सकते हैं और फैलेंगे भी नहीं। अब हम चलते हैं आइडिया नंबर 12 पे। तो यहाँ मेरे पास इंडिया फर्स्ट का गिफ्ट हैम्पर आया था जिसमें ड्राई फ्रूट्स था। तो इस डब्बे का मैं यूज करूँगी सिलाई का सामान रखने में। आसानी से आप इसे अरेंज करके कहीं भी रख सकते हैं, आपकी जो सिलाई के सामान है वो फैलेंगे भी नहीं। अब चलते हैं हम आइडिया नंबर 13 पे। तो यहाँ मैं मेकअप बॉक्स को अरेंज करूँगी अच्छे से ताकि मेरे सामान जो है आसानी से मिल जाए। तो यहाँ मैं ली हूँ बॉक्स, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से अरेंज हो चुकी है और जल्दी में आपके सारे सामान मिल भी जाएंगे। आइडिया नंबर 14। तो यहाँ मैं बॉक्स का यूज करूँगी स्टेशनरी का सामान रखने के लिए ताकि आसानी से आपके जो सामान है वो मिल जाए और फैले भी ना। आइडिया नंबर 50। ये कितना प्यारा बॉक्स है, ये भी गिफ्ट हैम्पर में ही आया था दिवाली के समय में। तो इस बॉक्स का मैं यूज करूँगी अपनी ज्वेलरी रखने के लिए। आराम से इसमें एक में आप रिंग, इयर रिंग, चैन, लॉकेट आप रख सकते हैं। अभी मैंने इसमें रखा नहीं है लेकिन रखूँगी ज़रूर। आइडिया नंबर 16। यहाँ मेरे पास कुकर का जो बॉक्स है वो वेस्ट पड़ा हुआ था। तो इसी तरीके से आप ऊपर का जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ कर दें और बच्चों के जो खिलौने जो डेली यूज के हैं वो आप इसमें आराम से अरेंज करके डाल सकते हैं। बच्चे आराम से खेल भी सकते हैं निकाल कर और रख भी सकते हैं। अब चलते हैं आइडिया नंबर 70 पर। तो यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ था लॉन्ड्री वाले बॉक्स, तो इसका मैं यूज की हूँ बड़े बड़े खिलौने रखने के लिए। आप जो बच्चों के बड़े बड़े खिलौने होते हैं आप इसके अंदर डालकर आराम से अरेंज करके साइड में रख सकते हैं। अब है आइडिया नंबर 18। तो यहाँ मेरे पास है ये डोरी जो आपके पैजामे में भी डोरी होती है या फिर जैकेट के टोपी में भी डोरी होती है, आपका यूज उसका यूज कर सकते हैं। उसका छोटा छोटा नॉट्स बना के थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इसे में नॉट्स बना लें और इसमें हैंगर डाल के आप आराम से इसे अरेंज करके रख सकते हैं। इसमें आप
बच्चों के कपड़े या अपनी साड़ियाँ या शर्ट पैंट आराम से इसमें अरेंज करके रख सकते हैं कवर्ड में, और इसमें स्पेस भी नहीं लगेगा। देखिए काफ़ी वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें से मैंने कितने अच्छे से अपने सामान को अरेंज करके रखा हुआ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।